हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के निमराना क्षेत्र में बीते दिन स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को बदमाशों ने अगवा कर दुकान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म मामला अब तूल पकड़ने लगा। बीजेपी उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान यादव व निमराना प्रधान संतोष बलवान यादव सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष बलवान यादव ने बताया कि बीते दिन निमराना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग 12वीं छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, तभी छात्रा का अपहरण कर दुकाने के अंदर ले जार दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। उसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों 4 बजे थाने पहुंच गए, मगर पुलिस ने देर रात तक मामला दर्ज नहीं किया। कि अलवर जिले में आए दिन जिस तरह से जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, बहुत ही शर्मनाक है। और कल का जो घटनाक्रम है, एक स्कूल की बच्ची के साथ जिस तरह से रास्ते से उसको उठाना, अगवा करना और उसके साथ दुष्कर्म करना, एक बहुत बड़ा विषय है। उसके परिजनों के द्वारा जब थाने में वो पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। एसपी के दखल अंदाज से वो रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से क्राइम जिन स्थितियों में इस अलवर जिले में है, अगर इस पे जल्दी अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी और आम जन की एक एक महिला आप सड़कों पे आएगी। हमें महिलाओं के लिए एक पूर्ण सुरक्षित माहौल चाहिए, यह हमारा अधिकार है। और अपने अधिकारों के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आम जन और प्रत्येक महिलाएं अब इस क्राइम से लड़ने के लिए तैयार है। तो आज कि कल निमराना क्षेत्र में एक स्कूल के बच्चे की छुट्टी के बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने अपहरण करके और बलात्कार की घटना दर्ज हुई है। और बलात्कार की घटना दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन ने शाम को पेरेंट्स यहाँ अभिभावक करीब 4 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन 8-9 बजे तक FIR लोड नहीं हुई। ये पुलिस के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि 4-4, 5-5 घंटे FIR लोड नहीं हुई। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं कि इस तरह की घटनाएँ क्षेत्र में बहुत हो रही हैं, चाहे मुख बहादुर बच्चे की बात हो, चाहे नारायणपुर की बात हो, चाहे मुंडावर की बात हो, चाहे बहरोड की बात हो। और तो और यहाँ इस जिला अलवर में हमारे को पूरे जिले को शर्मसार कर दिया। गौ माता के साथ भी कुकर्म हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन का जनता में कोई भय नाम की चीज़ नहीं है। आज हम ये बात यहाँ कहने आए हैं कि हमारे जो क्षेत्र में बच्चियों के साथ इस तरह का जो कुकर्म हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, चैन स्कैनिंग का काम हो रहा है, पुलिस उसमें अलर्टता से काम करे। और आज हम अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि जो कल हुआ इस निमराना क्षेत्र में उन बच्चियों के साथ जिन भी असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से 24 घंटे में अरेस्ट किया जाए। अंततः भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन विरोध दर्ज कराएगी और इस बात को हम शांति से नहीं बैठेंगे अगर इसे तो 24 घंटे में इसका सलूशन नहीं निकाला गया तो। कल निमराना में मोहलड़िया एक जगह है जहाँ पर कहीं एक होटल सा कमरा बना हुआ है जिसमें 16-17 कमरे बने हुए हैं, उसमें दुष्कर्म की घटना के संबंध में एक रिपोर्ट कल थाना निमराना में मिली है। इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें कुछ आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का आरोप है और इसमें जो पीड़िता है वो नाबालिग है।